तमाम अपराध में चश्मे बाबरकत का आगाज सलामत हदीसे के साथ से किया गया। और अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास वक्त की कितनी कमी है, क्योंकि एक तरफ तिलावत कलाम पाक हो रही है और दूसरी तरफ आतशबाजी हो रही है, मां की शान में पटाखों को भोर कर ये बताया जा रहा है कि दुश्मन आज मायूस हो गए हैं और अहले बैत के चाहने वाले खुश हैं। लेकिन वक्त की कमी को मलहूज खातिर रखते हुए ये दोनों प्रोग्राम एक साथ किया गया, क्योंकि इस प्रोग्राम को अगर अलग से किया जाता तो तकरीबन आधा घंटा और लगता। हर साल की तरह 31 साल से मुसलसल जश्न इमाम सईद सज्जाद जिस शान शौकत से मुनक़िद किया जाता है, उसी तरह से शान शौकत से मुनक़िद किया जा रहा है। मुल्क के मशहूर मारूफ शोराए ग्राम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जिनके इस्माए ग्रामी इस तरह से हैं मोहतरम मीर नजीर बाकरी साहब, मोहतरम चंदन सान्याल फैजबादी साहब, मोहतरम मारूफ सुफी साहब, मोहतरम डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, मोहतरम सागर बनारसी साहब, मोहतरम सोहेल बस्तवी साहब, मोहतरम जावेद छोलसी साहब, और उसके अलावा मोहतरम मेहंदी जलालपुरी, मोहतरम अमन इलाहाबादी, मोहतरम शुकी सरसवी साहब, मोहतरम हैदर कुरानी साहब, मोहतरम सफर अली साहब, मोहतरम रजा आजमी साहब, और इसके अलावा हमारे और भी शोराए किराम यहाँ तशरीफ ला रहे हैं इस जश्न के रूह रवा। मोहतरम चंदन सान्याल फैजाबादी साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, और ये मेरे लिए बाईस फख्र मुबाहत है, उनके आने से जितनी हौसला अफजाई होती है वो बहुत बड़ी हौसला अफजाई है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जाफर मेहंदी रिजवी साहब के न रहने के बाद और उससे पहले भी इनकी शमूलियत इस आपदी मिशन के प्रोग्राम्स में रही, मैं उनका मकबूल मशहूर हूँ क्योंकि वो यहाँ तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम इख्तसार के साथ रखते भी है मोहतरम मौलाना शानदार साहब से गुजारिश है कि आवाज करें बल तरीन बारगाहे सरकारे मदीना रहमत कायनात मोहम्मद नूर अरबी नूर मुजस्सम सरवर आलम हम गरीबों के गम गुसार आकाए नामदार सरकार रहमत कायनात आलम जिसका नूर आपाक व अंजुम की सरहदों पर गुजर रहा था, गुजरते गुजरते अरब की सरजमीन पर एक बेवा माँ की गोद से यतीम बनकर उठा। ऐसा यतीम जब चलता है तो अब साया कर लेते हैं, दरख्त अजीमन झुक जाया करते हैं, संग्रेजे तस्बीह परवरदगार करने लगते हैं। शायर कहता है कि फिर सुकूते संग असवर गुफ्तगू करने लगा, जर्रा जर्रा बेदमदम से वजू करने लगा। क्या शान है, क्या शौकत है, क्या नूर है, क्या हकीकत नूर है। तब्बा जहाँ जहाँ पे पसीना रसूल का, पढ़ने लगी वो सरजमी कलमा रसूल का। मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या रसूल का, काबा है करबला है मदीना रसूल का। ये हमारे हुजूर की हकीकत है, ये हमारे हुजूर की अजमत है, ये हमारे हुजूर का एहतराम है। जब मेराज की मंजिल पे हमारे सरकारे मदीना गए थे दीदारे हैदर करने के लिए, तो फकत सरकार अकेले गए थे, न कोई सहाबी गया था, न कोई मलाइका गया था, न कोई बशर गया था, न कोई कुर्सी गया था, न कोई वली गया था, न कोई अंबिया गया था। पता चला कि दीदारे हैदर के लिए तन्हा सरकार गए, सिदरतुल मुंतहा पे मलक रुक गया, पर फरोगे तजल्ला से जलने लगा। यानी दीदारे हैदर अगर किसी के निगाहों में असर है कर सकते थे तो हमारे सरकारे मदीना थे। पर देर जुल्मात के चाक होने लगे, रात ढलने लगी, दिन निकलने लगा,
आंधियों में पना की, चरागे बका कोहे पारा की चोटी पे जलने लगा। इस तरफ उंगलियों का इशारा हुआ, उस तरफ नज़्म कुदरत बदलने लगा। मंजिले खास थी, नूर ही नूर था, हक ने आवाज दी बढ़ गए मुस्तफा। आरजू महव हैरत है सारा जहां, मोम हो के लोहा पिघलने लगा। दुरूद भेजे मोहम्मद पर आले मोहम्मद। यानी जिस सरकार मदीना की, जिस नबी मोहतरम की, जिस हुजूर सर्वे कायनात के कसीदे कुरान सुना रहे हैं, उसके नूर की अहमियत ये है, उसके नूर का असर ये है कि हर एक उजाला नूर के दरिया में घुल गया, हर एक उजाला नूर के दरिया में घुल गया। सबकी जबी से दाग जहालत का धुल गया। जिस दिन से पैदा काबे में हजरत अली हुए, उस दिन से बाबे शहर का दरवाजा खुल गया। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब बुलंद तरीन आवाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। गाजी रानी मोहतरम, वो सरकार, वो रहमत कायनात, वो मोहम्मद अरबी जिनके अजमतों के कसीदे सुना रहे हैं कुरान, ये कुरान का है लिसान खानदान आले मोहम्मद का मजमुआ है। जो आले मोहम्मद गुफ्तगू करते थे वही आयते कुरान बन जाती थी। दावत जुलेशिला में अगर अली गवाही देते थे तो आयते कुरान बन जाती थी। इसीलिए अली ने कहा था, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद कल भी अल्लाह के रसूल थे, मोहम्मद आज भी अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद आने वाले जमाने में भी अल्लाह के रसूल रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि तस्दीक बड़ी मोतबर है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल। तस्दीक करने वाला इतना मोतबर है कि जिसने गमसिनी के आलम में कह दिया मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल है, जब दुनिया सुने मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल है, अली ने कहा है। अब कोई अपना ना समझे, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। वसल्लल्लाहु अला मोहम्मदिन वाले तैयबीन तौहीदी।